Chapter 7 Tip Tipava. This is a folk story from Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ki log katha. Now, what is the meaning of Tip Tipava? We'll find out soon from this chapter. Ek thi Budiya. Budiya is an old lady. There was an old lady. उसका एक पोता था. पोता इज ग्रैंडसन. सो शी हैड ए ग्रैंडसन. पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता. कहानी इज स्टोरी. सो रोज रात एवरी नाइट बिफोर ही वेंट टू स्लीप द बॉय लिसन्ड टू ए स्टोरी फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर. दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती. सो एवरी डे द ग्रैंडमदर वुड टेल हिम ए डिफरेंट स्टोरी. एक दिन मूसलाधार बारिश हुई. बारिश इज रेन. मूसलाधार मीन्स हेवी टोरेंशियल. सो देयर वाज ए टोरेंशियल रेन. ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी. So this rain was like nothing before. It was torrential. Sara gaav barish se pareshan tha. Gaav is village. The whole village was languishing under the rain. Budhiya ki chompdi mein pani jah jah se thapak raha tha. Chompdi is a hut. So the grandmother was living in a hut and her roof was leaking. टपकना इज टू ड्रिप. जगह जगह से टपक रहा था. सो वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हर रूफ रूफ एट डिफरेंट प्लेसेस. सो यू नो द साउंड वाटर ड्रॉप्स मेक. इट गोज लाइक टिप 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 टिप. सो टिप टिपवा इज द साउंड दैट द वाटर ड्रॉप्स मेक. इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था. गोद इज लैप. बेखबर इज ओब्लिवियस नॉट अवेयर. सो द लिटिल बॉय डिड नॉट रियली केयर वेदर इट वॉज रेन और नॉट. ही वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी. बुढ़िया खींच कर बोली. ग्रैंड मदर वॉज स्लाइटली अनॉयड. शी सेड अरे बचवा का कहानी सुनाए. हे किड व्हाट स्टोरी नाउ. ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना. आई विल टेल यू स्टोरी व्हेन वी आर सेव्ड फ्रॉम दिस टिप टिपवा. शी मेंट व्हेन द रेन एंड्स एंड व्हेन द लीकिंग स्टॉप्स आई विल टेल यू ए स्टोरी. पोता उठकर बैठ गया. हियरिंग दिस द ग्रैंडसन सैट अपराइट. उसने पूछा दादी ये टिप टिपवा कौन है. ही आस्ट हु इज दिस टिप टिपवा. द ग्रैंडसन थॉट इट वॉज सम एनिमल और सम पर्सन. ही आस्ट हु इज दिस टिप टिपवा. टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है. शेर इज लायन. बाघ इज टाइगर. सो ही आस्ट वेदर टिप टिपवा इज बिगर दैन ए लायन और ए टाइगर. दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली. छत इज रूफ. सो दादी लुक्ड एट हर लीकिंग रूफ एंड सेड हाँ बच्चा न शेरवा के डर न बकुआ के डर. आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ ए लायन और ए टाइगर. डरता डर टिप टिपवा के डर. आई एम स्केर्ड ऑफ दिस टिप टिपवा. संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था. संयोग मीन्स बाय कोइंसिडेंस. सो बाय कोइंसिडेंस ए टाइगर वॉज हाइडिंग बिहाइंड द हट. व्हाई बिकॉज ही वॉज ऑल्सो ट्रबल्ड बाय द रेन. मुसीबत मीन्स ट्रबल. बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था. Khabrana is to be afraid. He was also scared of all the rain and water. Budhiya ki baat sunte hi vah aur dar gaya. So hearing
all the talk between the grandmother and grandson, he was all the more scared. Why? Because the grandmother was talking about Tip Tipava and how she is scared of a Tip Tipava. Ab ek Tip Tipava kaun si bala hai? Now the tiger was thinking, who could this Tip Tipava be? Zarur ek koi bada janwar hai. Janwar is animal. So the tiger was thinking, Tip Tipava could be a big animal. Tabhi to budhiya sher bagh se zyada Tip Tipava se darti hai. And that's why she is afraid of Tip Tipava, but not of a lion or a tiger. इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए. हमला करना is to attack. Now, before Tip Tipava comes out and attacks me, I will have to go away from here. बाघ ने ऐसा सोचा और छटपट वहाँ से धूम दबाकर भाग चला. धूम दबाकर भागना is an usage which means he fled from the scene scared. So the tiger ran away from there in fear. उसी गांव में एक धोबी रहता था. धोबी is a washerman. So there was a washerman in the village. वह भी बारिश से परेशान था. He was also troubled by the rain. आज सुबह से उसका गधा गायब था. गधा is a donkey. So his donkey was missing. गायब होना is to disappear. In this case, went missing. So the donkey went missing. सारा दिन बहु बारिश में भीगता रहा और जहाँ जहाँ गधे को ढूंढता रहा. ढूंढना is to search. So the whole day he spent out in the rain searching for the donkey. Lekin वह कहीं नहीं मिला. But he could not find his donkey. धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते. So पंडित जी is a learned person, a knowledgeable person. पत्नी is wife. And washerman's wife said, why don't you go and ask पंडित जी. वे बड़े ज्ञानी हैं. आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है. खबर रहना is to know. पंडित जी knows everything, future, past. Why don't you go and ask him? पत्नी की बात धोबी को जंच गई. Washerman understood what his wife was saying. अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा. He took his stick, lut is stick, and started walking towards Pandit ji's house. उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे. So what was the Pandit ji doing? His house was also flooded and he was throwing water out. Fenkna is to throw out. धोबी ने बेसब्री से पूछा. बेसब्री is eagerly. Washerman asked very eagerly, Maharaj, mera gadha subah se nahi mil raha hai. Maharaj, I could not find my donkey from the morning. Zara poti baanch kar bataiye to vah kaha hai. Just open your book and see where my donkey is. Poti is book. Subah se paani ulichte ulichte Pandit ji dhak gaye the. Pandit ji was really tired of doing all the hard work. धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले. He was really annoyed to hear the dhobi and he said, मेरी पोती में तेरे गद्दे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पूछने. What do you think? The whereabouts of your donkey are written in my book and you have come to ask that? पता ठिकाना is whereabouts. अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे ही पोकर में. And Pandit ji said, go and look for your donkey in some pit or hole. Gadai pokar mein. Aur Pandit ji lage fir pani ulichne. And he continued with throwing out water. Dhobi wahan se chal diya. He walked away from there. Chalte chalte wah ek talab ke paas pahuncha. Talab is a pond. The dhobi reached a pond.
तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। घास इज ग्रास, सो देयर वॉज टॉल ग्रास ग्रोइंग अराउंड द पॉन्ड। धोबी घास में गद्दे को ढूंढने लगा। वॉशरमैन वेंट इन टू द ग्रास एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द डोंकी। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। किस्मत इज फेट, छिपना इज टू हाइड। सो एज फेट वुड हैव इट, द सेम टाइगर विच रैन अवे फ्रॉम द हट बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड ऑफ टिप टिपवा, ही वॉज हाइडिंग इन द ग्रास। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गद्दा है। वॉशरमैन सो द टाइगर हाइडिंग इन द ग्रास। इट वॉज डार्क, ही थॉट इट वॉज हिज डोंगी। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। सो विदाउट थिंकिंग एनी फर्दर वॉशरमैन स्टार्टेड बीटिंग द टाइगर विथ हिज स्टिक। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। सो द टाइगर वॉज हाइडिंग इन द ग्रास एंड दिस अनएक्सपेक्टेड अटैक रियली स्केर्ड हिम। अचानक इज अनएक्सपेक्टेड। बाघ ने मन ही मन सोचा एंड ही थॉट लगता है यही टिप टिपवा है। सो दिस कुड बी टिप टिपवा। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। फाइनली ही फाउंड मी। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। नाउ इफ आई वॉन्ट टू सेव माई लाइफ आई वुड हैव टू ओबे टिप टिपवा। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। द वॉशरमैन सेड आज तूने बहुत परेशान किया है, यू ट्रबल मी ए लॉट टूडे, आई विल बीट यू टू योर डेथ। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। कान इज ईयर। ही कॉट द टाइगर बाय हिज ईयर और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। खींचना इज टू ड्रैग एंड ही ड्रैग्ड द टाइगर टुवर्ड्स हिज हाउस। बाघ बिना छूम छपट किए फीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बिकॉज द टाइगर वॉज वेरी स्केर्ड ही एक्टेड लाइक ए मीक बिल्ली कैट एंड ही फॉलोड द वॉशरमैन। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को घूंटे से बांध दिया और सो गया। सो लाइक ही वुड टाई द डोंकी द वॉशरमैन टाइड द टाइगर टू ए पेग एंड ही वेंट इनसाइड टू स्लीप। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर घूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सो मॉर्निंग व्हेन द विलेजर्स केम आउट ऑफ देयर हाउसेस दे वर रियली शॉक्ड टू सी ए टाइगर इन डोंकीज शेड एंड दे केप्ट स्टेयरिंग बिकॉज दे कुड नॉट बिलीव व्हाट दे सॉ।